हेलो, सुप्रभात, नमस्ते। तो आज करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो से ना आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो सबको ट्रिकी लगता है और सबकी इसमें फटती है। सिंपल लॉजिक है। इसके लिए ना आपको पहले बहुत सारे बेस क्लियर होने चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स आने चाहिए। जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि होम ऑफिस हम उसको काउंट कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक होम ऑफिस हम काउंटिंग की बनाई थी, पर उसमें आपको बेसिक ट्रिक्स बताई थी। उसमें क्या है, कुछ सबको इतना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ काउंट कैसे करना है उसके आपको शॉर्टकट बता दिए। अब जो कराने वाली हूँ वो है डिटेल्ड प्रोसेस। जैसे शॉर्टकट हर जगह तो काम होते नहीं है, तो अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जहाँ पे शॉर्टकट नहीं लग रहा है, हमने तीन शॉर्टकट्स के डिस्कस किया था। उसमें साइकिल ग्रुप था, पहले मैं दोनों साइकिल को, दूसरे केस में एक साइकिल एक फाइनाइट हो, और तीसरे हमने स्पेसिफिक केस डिस्कस किया था। तो उसके अलावा भी और केसेस आ सकते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है उसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर करके देखना पड़ेगा। तो वो प्रोसीजर जो है वो आपको आज समझाने वाली हूँ। अब वो प्रोसीजर आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जबको आपको क्या क्या आता होगा। एक तो नॉर्मल सब ग्रुप कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए आपको। नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए, तभी आपको समझ पाओगे नॉर्मल सब ग्रुप निकालते कैसे। तो पहला कि नॉर्मल सब ग्रुप कैसे निकालते हैं किसी भी ग्रुप के। दूसरा, आइसोमॉर्फिज्म समझ में आना चाहिए, आइसोमॉर्फिक ग्रुप कैसे देखते हैं, ठीक है। और तीसरा, काउंटिंग आपकी होनी चाहिए अच्छी, जैसे कि अभी हम काउंटिंग यहाँ पे किसी बात करें कि ऑटोमॉर्फिज्म कितने हैं या फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म कितने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली होमोमॉर्फिज्म काउंट करने से पहले आपको होमोमॉर्फिज्म के बेसिक सारे पता होने चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म पता होना चाहिए और नॉर्मल सब ग्रुप आना चाहिए। ये सब चीज़ें आती हैं तो वेल एंड गुड। तो बस फिर तो शुरू करते हैं। और कहीं कहीं पर बेसिक, कहीं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से कहीं भी यूज़ हो रही होंगी। आप देखोगे अबेलियन ग्रुप का भी एक कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेंटर का भी एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो आपका कंसेप्ट होना चाहिए स्ट्रांग। अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लिए बिना। तो होमोमॉर्फिज्म काउंट करते हैं, इसमें आप हम दो तीन एग्जाम्पल करते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई एग्जाम्पल अगर आपसे ना हो रहा तो आप कमेंट करो, वो भी मैं करवा दूंगी, पर हो जाएंगे इसके बाद सारे एग्जाम्पल्स आपसे। तो अब देखते हैं कि होमोमॉर्फिज्म हमें काउंट करनी है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम अ ग्रुप जी टू जी डैश। अब रैंडमली कोई भी दो ग्रुप चाहिए, मेरे जी और जी डैश, जहाँ पे दोनों कैसे हैं, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, फाइनाइट इन्फिनाइट कैसे भी हो सकते हैं। पर अब वही बात है कि हम फाइनाइट से ज़्यादा डील करेंगे, क्योंकि फाइनाइट की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उसमें फंसे। इनफाइनाइट ग्रुप तक पहुँचेगा ही नहीं, हम फाइनाइट ग्रुप में ही फंस जाएंगे, जैसे कि एस एन डी एन, ये फंसाने वाली चीज़ें हैं ना, तो वहीं तक ही जाएंगे, हम इससे आगे जाएंगे नहीं। तो हम यहाँ पर बेसिकली फाइनाइट ग्रुप्स की बात करें। अगर हम ऑफिस में काम करनी है एक ग्रुप जी से दूसरे ग्रुप जी डैश तक, तो पहले तो बात करते हैं उसके एल्गोरिथम की। तो उसका एल्गोरिथम क्या है उसकी बात करते हैं। दो स्टेप्स हैं, दो स्टेप्स और आपका काम हो जाएगा। तो इन दो स्टेप्स को अच्छे से देख लो, फिर एक एग्जांपल से समझेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है कि अगर हमें ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर दो अलग ग्रुप्स हैं, दोनों फाइनाइट ग्रुप्स हैं, इन पे होमोमॉर्फिज्म्स काउंट करनी है कि एक फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है जो जी से जी डैश जा रही है, तो ऐसी कितनी होमोमॉर्फिज्म मिलेंगी। सपोज फाई आई, फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, इतनी सारी होमोमॉर्फिज्म मिल जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स हमें बताने की, जो टोटल होमोमॉर्फिज्म्स के सेट है इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कितनी टोटल होमोमॉर्फिज्म मिलेंगी, यही काउंट करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप है कि जो भी जी है ना, जो भी लेफ्ट ग्रुप है, उसके हमें क्या निकालना है, सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो फाइंड ऑल दी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, जी के सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स ढूंढ लो, यानी कि नाम रख देते हैं उनका, मान लो के आई है, तो के आई इज नॉर्मल जी। ऐसे सारे आई ढूंढ लेने जो कि नॉर्मल सारे के, अब के आई का क्या मतलब है यहाँ पे, आई रनिंग फ्रॉम वन टू आर, इसका मतलब के आई के वन नॉर्मल जी, के टू नॉर्मल जी, एंड ऐसे सो ऑन, कहाँ तक, के आर तक हमें कुछ मिल जाएंगे जो कि जी के नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। तो कितने नॉर्मल सब ग्रुप हो गए जी के, आर नॉर्मल सब ग्रुप हो गए, हमने सारे ढूंढ लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है अभी, अब बस हमें क्वेश्चन ग्रुप्स बनाना है। क्वेश्चन ग्रुप मतलब जी के, हमें के वन के टू इन सबको कर्नल लेके ना ग्रुप्स बनाने हैं, जैसे कि जी अपॉइंट के वन एक ग्रुप बन गया, हमने अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ग्रुप है और इसमें कर रहे हैं क्या, इसका इसका है के वन कर्नल, ऐसे ही अगला ग्रुप बनाने जी अपॉइंट के टू, अगला जी अपॉइंट के थ्री, कहाँ तक बनाने, जहां तक जा रहे हैं, तो जी अपॉइंट के आर। ये हमारा फर्स्ट है, नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढो और उसके बाद देखो कि हम उन सब में से क्वेश्चन ग्रुप बना रहे हैं, इसे बना लेना क्वेश्चन ग्रुप। सिंपल स्टेप था, नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढो, सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स को इकट्ठे रख दो और उसके बाद उन सबसे क्वेश्चन ग्रुप बना लो, जी को ग्रुप रखते हुए और इसको नॉर्मल सब ग्रुप लेते हुए। इतना हो गया, अब चलते हैं स्टेप टू पे। स्टेप टू पे ही सारा मतलब है, मेन पार्ट।
अब स्टेप टू क्या कहता है कि जितने भी हमने क्वेश्चन ग्रुप्स निकाले ना, जी अपॉन के वन, जी अपॉन के टू एंड सो ऑन, जी अपॉन के आई, तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन ग्रुप्स निकाले इनके आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स देखो। जैसे कि अगर जी अपॉन के वन हमारा आ रहा है, सपोज कोई ऐसा आ रहा है जो फोर, जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, चार है, फोर एलिमेंट्स है उसमें, और वो ना एक साइक्लिक ग्रुप है, तो हम देख पाएंगे कि फोर कार्डिनलिटी वाला कोई साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, हमेशा आइसोमॉर्फिक टू जेड फोर होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि ये आइसोमॉर्फिक और जेड फोर के, ऐसे तो हमें ऐसे आइसोमॉर्फिज्म निकालने हैं सारे क्वेश्चन ग्रुप के। मान लेते हैं ये आइसोमॉर्फिक है एच वन के, ये मान लेते हैं आइसोमॉर्फिक निकला है एच टू के, एंड सो ऑन, हम देख पाएंगे कि आइसोमॉर्फिक है एच थ्री के, तो हमने इसके आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ढूंढ लिए। अब अगला काम है जी डैश ग्रुप का। जी डैश तो बेचारा कुछ नहीं कर रहे थे जैसे, अब उसके सिर्फ काम करवा लेते हैं। तो जी डैश जो राइट साइड पे ग्रुप बैठा था, जहां तक हम लेके जा रहे थे फंक्शन को हमारी कोड में, उसका क्या करना है, अब हमें देखना है उसके जितने भी सब ग्रुप्स है सबकी लिस्ट बना लेनी है। तो जितने भी सब ग्रुप्स है उसकी लिस्ट बना लो, सपोज कुछ भी नाम रख लो, कोई नाम जैसे जी वन ही रख लो, जी वन, जी टू, जी थ्री, ये क्या इसके सब ग्रुप्स हैं, कहाँ तक है, जहां तक ही बन रहे हो, जरूरी थोड़ी कि जितने इसके हैं उतने इसी के बन रहे हो, तो जी के मान लेते हैं, कहीं भी इसके सब ग्रुप्स बन रहे हैं। अब हमें क्या देखना है कि जो ये आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हमने निकाले हैं एच वन, एच टू, एच थ्री, एच आई, है ना, ये जो हमने निकाले हैं इनके आइसोमॉर्फिक इस ग्रुप में कितने सब ग्रुप हैं, कि अगर एच वन है तो इसके जैसे इस ग्रुप में कितने सब ग्रुप्स हैं। सपोज मान लेते हैं कि एच वन जैसे मतलब कि उसके आइसोमॉर्फिक, तो एच वन के आइसोमॉर्फिक इसमें मान लेते हैं कितने ग्रुप्स हैं, मान लेते हैं कि एम आई ग्रुप्स हैं, मान लेते हैं कि एच वन के आइसोमॉर्फिक एम वन ग्रुप्स हैं, एम वन मतलब कि वन टू थ्री फोर कोई भी नंबर है, तो मान लीजिए कि एच वन के आइसोमॉर्फिक इस ग्रुप में कितने सब ग्रुप हैं, दो तीन कितने भी, उसका हमने नाम रख दिया एम वन। ऐसे एच टू के आइसोमॉर्फिक एम टू हैं, सो ऑन, एच आर के आइसोमॉर्फिक एम आर हैं। तो अब नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म का डायरेक्टली फॉर्मूला आ रहा है हमारा, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जी टू जी डैश कितने हो जाएंगे हमारे, हमें क्या करना है, एम आई एम वन को मल्टीप्लाई करना है कार्डिनलिटी ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एच वन, ठीक है, ऐसी एम टू को मल्टीप्लाई करना है कार्डिनलिटी ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एच टू, एंड सो ऑन, कहां तक करना है आर तक, और इन सबको ऐड कर देना है। अगर मैं इसको आई बना दूं तो एम आई मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनलिटी ऑफ ऑट एच आई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सम करते जाए, कहां तक सम करना है, फॉर और आई कहां से कहां तक, आई इज रनिंग फ्रॉम वन टू आर, जितने हमने क्वेश्चन ग्रुप्स बनाए उतने, या फिर जितने हमें नॉर्मल सब ग्रुप मिले हैं उतने, उतनी बार हमें से ऐड करना है, और जो हमें टोटल आंसर मिलेगा वो ही होगी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। तो ये नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म काउंट करने का लॉन्ग मेथड, पर इससे हम किसी भी ग्रुप में कर सकते हैं, जी को भी ग्रुप हो सकता है, जी डैश को भी ग्रुप हो सकता है, और हम सब में काउंट कर पाएंगे। ये आपको एक बार लेंथ दिया और अजीब सा लग रहा होगा, शायद थोड़ा कम समझ में आया, पर अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपके हाथ पे बैठ जाएगा, आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं डायरेक्टली, इससे देखते हैं कितना समझ में आया, जितना आगे बहुत अच्छी बात है, ये सब नोट करके रख लो और अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। अगर आपको नोट नहीं भी करना तो क्या टेंशन है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक मिल जाएगा। अब तो मान लेते हैं हमें क्या करना है, हमें काउंट करनी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू एट टू जेड फोर। क्यू एट क्या होता है, सबको पता है, क्वार्टरनेरी ग्रुप, जिसमें आठ एलिमेंट्स होते हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, तो यार एलिमेंट्स वाला जो ग्रुप है हमारा, ये वो बोला सबसे यूनिक ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, साई प्रॉपर्टीज हमें इसकी पता है। मैं आपको ये टॉपिक ये मान के पढ़ा रही हूँ कि आपने साई एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ ली है, क्योंकि इन क्वेश्चन में सब लगेगा। और जेड फोर क्या है हमारा, साइक्लिक ग्रुप है, जेड फोर चार एलिमेंट्स वाला साइक्लिक ग्रुप है हमारा, ठीक है, एडिशन मॉडुलो फोर पे जो ग्रुप फॉर्म करता है। तो हमने दो ग्रुप्स उठा लिए, हमें देखना है कि इस ग्रुप से इस ग्रुप पे कितनी होमोमॉर्फिज्म्स जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप करेंगे हम, पहला स्टेप क्या था हमारा, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ क्यू एट। अब क्यू एट की प्रॉपर्टी है, जो आपको याद ना हो तो मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, पर वैसे मुझे करानी नहीं चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, पर कोई बात नहीं, वीडियो लेंदी इसलिए हो रही है कि मैं एक एक कंसेप्ट ठीक से बता रही हूँ। तो क्यू एट का हम एक नॉर्मल सब ग्रुप्स निकालने हैं, तो हमें नॉर्मल चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जो हमने सिंपली नॉर्मल सब ग्रुप में देखी थी कि क्यू एट की प्रॉपर्टी क्या है, हमने सिर्फ देखा था कि क्यू एट के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। क्यू एट के कौन कौन से सब ग्रुप्स होते हैं, पहला सब ग्रुप होता है ट्रिवियल सब ग्रुप, आइडेंटिटी एलिमेंट, और क्यू एट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है। एक बार क्यू एट लिख लेते हैं यहाँ पे तसल्ली के लिए, जिसकी हमें आसानी हो जाएगी, वन माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, तो ये हमारा क्यू एट है। अब इसमें से अगर हम सबसे ट्रिवियल सब ग्रुप उठाएं तो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट,
ये रहा, अगला बनता है 1-1, क्योंकि माइनस वन का ऑर्डर कितना है, 2 है, 1 का ऑर्डर 1 है, और हम देखेंगे ये आराम से ग्रुप बन जाएगा Z2 जैसा, आइसोमॉर्फिक टू Z2, तो एक ग्रुप बन रहा है। चलो ये भी एक सब ग्रुप है और ये भी हम देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप है। तो क्यूएट के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं, इसको याद रखो, जितने भी क्यूएट के सब ग्रुप्स हैं कैसे होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। तो और कौन सब ग्रुप बनते हैं, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, ये एक सब ग्रुप बनता है, चार एलिमेंट्स हैं, प्लस वन माइनस वन प्लस आई माइनस आई। एक और बनता है प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे, एक और बनता है प्लस माइनस वन प्लस माइनस के। तो हम देखेंगे कि और एक कीवर्ड तो है ही पूरा खुद, हर ग्रुप अपने आप का सब ग्रुप तो होता ही है और अपने आप के नॉर्मल सब ग्रुप भी होते हैं। तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 इसके क्या बन गए, नॉर्मल सब ग्रुप्स बन गए। हम इनका नाम भी दे सकते हैं K1, K2, K3, पर उसकी जरूरत नहीं है अभी, तो हम ऐसे रख रहे हैं, या फिर लिख लो K1, K2, ताकि आप एकदम फॉर्मूले से रिलेट कर पाओ, K3, K4, K5 एंड K6। तो हमने कितने बना लिए नॉर्मल सब ग्रुप्स की वेट के, 6 बना लिए। अगला काम क्या था, इनसे क्वेश्चन ग्रुप जनरेट करना। अब क्वेश्चन ग्रुप कैसे बनाते हैं, जी अपॉन के वन, हमारे यहाँ पे जी क्या है, ये है ना क्यूएट, ये हमारा जी है और ये हमारा जी डैश है, तो हमें क्या करना है, क्यूएट अपॉन के वन, ये हो गया एक, अगला हो गया क्यूएट अपॉन के टू, क्यूएट अपॉन के थ्री, क्यूएट अपॉन के फोर, क्यूएट अपॉन के फाइव एंड क्यूएट अपॉन क्यूएट इटसेल्फ। तो ये हमारे हो गए 6 क्वेश्चन ग्रुप्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 6 नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ क्यूएट। तो हमें देखना है कि रिस्पेक्टिवली ये सारे जो क्वेश्चन ग्रुप्स हमारे पास आ गए, ये हमारे नॉर्मल सब ग्रुप्स है, इनके रिस्पेक्टिवली हमारे पास जो क्वेश्चन ग्रुप्स आ गए वो किसके आइसोमॉर्फिक है, कोई ऐसा ग्रुप है कि जिसके वो आइसोमॉर्फिक दिखाई दे रहे हैं। तो बस इतना सा पार्ट देखना है। अभी हमने सिर्फ जी की बात कर रहे हैं, हम होमोमॉर्फिज्म निकाल से जी से जी डैश पर, जी डैश को साइड पर रख रहे हैं, सिर्फ जी के रिस्पेक्ट में हमें जो क्वेश्चन ग्रुप्स बना लिए उनको देखने की किसी नॉर्मल ग्रुप जो हमारे जान पहचान का हो है ना उसके आइसोमॉर्फिक है या नहीं। तो अब ये देखने से पहले आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी ग्रुप है जिसमें चार एलिमेंट्स हैं तो दो टाइप के ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या तो आइसोमॉर्फिक होगा K4 के, या फिर वो आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के। दुनिया का कोई भी एक एलिमेंट वाला ग्रुप, जैसे कि एक एलिमेंट है इसमें, अगर एक एलिमेंट है तो पक्का आइसोमॉर्फिक इसके होता है Z1 के। ये कौन सा ग्रुप है, एडिशन मॉडुलो Z वाला, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर किसी का भी ऑर्डर 2 है तो वो पक्का, चाहे कोई भी कैसा भी ग्रुप हो, पक्का आइसोमॉर्फिक किसके होगा, Z2 के। अगर उसको ऑर्डर 3 है तो आइसोमॉर्फिक होगा Z3 के। ये नहीं कि हमेशा ऐसे होता है, ये पहले 3 के लिए पक्की बात है। अगर ये ऑर्डर 4 हो जाए तो दो केसेस बन सकते हैं, या तो K4 के आइसोमॉर्फिक हो या Z4 के। Z4 क्योंकि Zn सारे क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, तो Z4 के आइसोमॉर्फिक तब होगा जब उस ग्रुप में 4 एलिमेंट्स होंगे और साथ में वो साइक्लिक होगा। एक साइक्लिक ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, तो अगर वो साइक्लिक होगा तो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, अगर वो साइक्लिक नहीं होगा तो वो K4 के आइसोमॉर्फिक होगा। पर K4 अबेलियन भी होता है, यानी कि अबेलियन तो वो हमेशा होगा ही, साइक्लिक भी होगा तो Z4 के आइसोमॉर्फिक, साइक्लिक नहीं होगा तो K4 के आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना। अब एक और बात जानो, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट बात क्या है, एक ना बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद होनी चाहिए, पर नहीं है तो आपको रिमाइंड करा देती हूँ, क्योंकि आपने अबेलियन ग्रुप वाला चैप्टर, साइक्लिक ग्रुप वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा इस टॉपिक पे आने से पहले। तो उसमें प्रॉपर्टी होती है कि जी बाय जेड जी, कोई भी ग्रुप है अगर जी, उसका अगर हम क्वेश्चन ग्रुप बनाएं किसके रिस्पेक्ट में, जेड जी मतलब इस ग्रुप का सेंटर, जेड जी मतलब सेंटर ऑफ जी। इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जी के वो वाले एलिमेंट्स जो अबेलियन हो, जो बाकी सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर जाए, वो वाले एलिमेंट्स। तो हम देखेंगे कि जो क्यूएट का सेंटर है ना, वो हम सब निकालना देख लेते हैं। हम देखेंगे कि क्यूएट के अगर हम आई जे के इन एलिमेंट्स की बात करें तो ये ना सब एलिमेंट्स के साथ अबेलियन नहीं हो पाएंगे, पर जो 1 और माइनस 1 है ये सब एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर जाएंगे। जैसे कि अगर आप आई इंटू जे करोगे तो क्या आएगा, के आएगा, पर अगर आप जे इंटू आई करोगे तो माइनस के आ जाएगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि ये कम्यूट नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे करने से आंसर सेम नहीं आ रहा है। 1 और माइनस 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा, आप किसी भी साइड से करो। तो हम देखेंगे कि इसके सेंटर में अगर हम यहाँ पे Q8 लिख दें तो Q8 के सेंटर में 2 एलिमेंट्स आते हैं, 1 और -1। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक ग्रुप का हम क्वेश्चन ग्रुप बनाए विद रिस्पेक्ट टू ZG एंड के उसके सेंटर, तो अगर ये किसी साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाए, इफ इट इज आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक ग्रुप, मान लेते हैं यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है, पर हम यहाँ पे Q8 की बात करें तो हम बात करेंगे Q8 अपॉन उसका सेंटर।
अगर आइसोमॉर्फिक हो जाए किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप किस टाइप का हो सकता है, जेड एन टाइप की हम बात करें, ठीक है, तो इसकी अगर आइसोमॉर्फिक हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाए इसका मतलब होता है कि जी क्या है, अभिलीन है, तो दिस इंप्लाइज दैट जी इज अभिलीन, ठीक है, ये बात समझ कर, ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी है कि अगर ये किसी इसके आइसोमॉर्फिक हो जाए जो साइक्लिक ग्रुप है, दिस इंप्लाइज जी जो है वो अभिलीन था, इसको इस पे लगाते हैं, इस पे आते हैं के टू वाले पार्ट पे, ठीक है, तो अगर हम क्यू एट बाय वन अपॉन माइनस वन कर दें, मैंने अभी कहा कि ये क्या है, इसका सेंटर है, यानी कि हम क्यू एट अपॉन जेड ऑफ क्यू एट कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि एलिमेंट इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, हम कैसे निकालते हैं, क्यू एट में आठ एलिमेंट्स हैं, इसमें दो हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो अगर कोई भी क्वेश्चन ग्रुप हमारे पास गिवन होता है ना, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, कि अगर मान लो जी कोई ग्रुप है और हम उसका क्वेश्चन ग्रुप बना रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो कैसे इसके हम इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसकी कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे, अगर जी और ए दोनों फाइनाइट हैं तो इसकी कार्डिनलिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं मॉड जी और मॉड ए, जितने इसमें एलिमेंट्स हैं इनके जितने जी में एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर दो जितने ए में एलिमेंट्स हैं, तो ये आ जाएगा, पर सिर्फ दोनों फाइनाइट हो तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों फाइनाइट है तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो अगर हम देखें कि अगर हम क्यू एट अपन वन कॉमा माइनस वन करेंगे तो इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, पहले ये देखते हैं, हम देखेंगे क्यू एट में आठ एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दो, और दोनों फाइनाइट है इसका मतलब, तो आठ बाय दो करेंगे चार एलिमेंट्स, यानी कि ये एक ऐसे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा जिसमें चार एलिमेंट्स होंगे, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया अगर कोई भी ग्रुप है उसमें चार एलिमेंट्स हैं तो वो किसी दो ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या तो के फोर के हो सकता है या फिर जेड फोर के हो सकता है, जेड फोर के तब होएगा जब वो खुद साइक्लिक होएगा, और के फोर के तब होएगा जब वो साइक्लिक नहीं होएगा, और मैंने अगर मान लेते हैं कि जेड फोर के हो रहे हैं, जेड फोर साइक्लिक है, और हमने अभी कहा कि अगर जी बाई जेड जी एक साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जी खुद कैसा है, अभिलीन है, और हमने देखा कि अगर ऐसा हो जाए तो क्यू एट अभिलीन हो जाएगा, पर क्या क्यू एट पूरा अभिलीन होता है, क्या उसके सारे एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, तो मैंने अभी बताया आई जे के ये तीनों एलिमेंट्स है जो कम्यूट नहीं करते हैं, इसका मतलब क्यू एट अभिलीन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक ही चांसेस बचा है कि अगर क्यू एट बाय वन अपॉन वन का माइनस वन में चार एलिमेंट्स हैं तो वो या तो जेड फोर के आइसोमॉर्फिक हो सकता था या फिर के फोर के, जेड फोर के है नहीं तो 100% वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, के फोर के, तो हमारा एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया, वो किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, के फोर के। अब नेक्स्ट आता है फर्स्ट पर, फर्स्ट पर कह रहे हैं क्यू एट बाय के वन, और हमारा के वन क्या है, खुद का खुद क्यू एट, तो अगर कोई क्वेश्चन ग्रुप हम ले जी बाय जी, यानी कि ग्रुप अपने रिस्पेक्ट में क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म करे तो उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कैसे निकालते हैं, तो दिस बाय दिस की कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, इसमें आठ एलिमेंट्स हैं, इसमें आठ हैं, एट बाय एट यानी कि एक एलिमेंट आएगा, और मैंने आपको अभी बताया एक एलिमेंट वाला कोई भी ग्रुप जेड वन के आइसोमॉर्फिक होता है, तो एक इसके आइसोमॉर्फिक होगा जेड वन के, और जेड वन क्या होता है, एक ऐसा एक एलिमेंट वाला ग्रुप जो कि साइक्लिक हो, और हमें पता है कि एक एलिमेंट वाला ग्रुप एक ही पॉसिबल है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी हो, क्योंकि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें एक ही ऐसा मिलना चाहिए, तो हम पक्का कह सकते हैं कि किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड वन के, ये हमारा आइसोमॉर्फिक हो रहे के फोर के, ठीक है। अब इन तीनों की बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ये तो हम देख लेंगे इसका इकट्ठे, ये तीनों सिमिलर है, इसको हम काम करते हैं, बस ये वाला पार्ट देखते हैं जो के सिक्स है हमारा, हम देखेंगे कि क्यू एट बाय के सिक्स क्या होगा, क्यू एट बाय के सिक्स यानी कि क्यू एट बाय आइडेंटिटी एलिमेंट। अब पहले देखो कि इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, ऊपर वाले में आठ है, नीचे वाले में एक एलिमेंट है, एट डिवाइड बाय वन तो कितने एलिमेंट्स आ गए, एट, यानी कि एक ऐसा ग्रुप बनेगा जिसमें आठ एलिमेंट्स होंगे, तो जब भी और क्यू एट के आइसोमॉर्फिक होगा देख पाओगे, कोई भी ग्रुप अगर हम जी अपॉन आइडेंटिटी ऐसा करें ना तो 100% वो किसके आइसोमॉर्फिक आ जाते हैं, जी के, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही जितने जी में, और बिहेवियर भी इसका कैसा होगा, जी जैसा होगा, इज इक्वल टू जी नहीं आएगा, आइसोमॉर्फिक आएगा। अब वो आप अगर नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो नॉर्मल सब ग्रुप वाली वीडियो में देखना आप, ठीक है, इस वीडियो में आपको बस इतना बता पाऊंगी, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। अब बात करते हैं इन तीनों की, इन तीनों का क्या बिहेवियर है और सिमिलर कैसे है। अब क्यू एट अपॉन के थ्री देखते हैं, ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, मैंने आपको बताया, और जो ये साइक्लिक ग्रुप है ना उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, चार एलिमेंट्स हैं। अब जब हम आठ एलिमेंट बाय चार एलिमेंट वाला ग्रुप बनाएंगे ना क्वेश्चन ग्रुप, तो उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, दो, और दुनिया में कोई भी दो एलिमेंट वाला ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। सिमिलर इज द केस हियर, यहाँ पे आई नहीं J है पर प्रॉपर्टी एकदम सेम है, चार एलिमेंट्स है, साइक्लिक ग्रुप है, जब हम आठ एलिमेंट्स बाय चार एलिमेंट वाला कोई ग्रुप बनाएंगे क्वेश्चन ग्रुप, तो उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, दो एलिमेंट, और दुनिया का कोई भी दो एलिमेंट वाला ग्रुप Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है।
तुम्हारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जी डैश जो इधर से खाली बैठा था उसके सब ग्रुप्स निकालने और देखने कि इस टाइप के कितने सब ग्रुप्स हैं इसमें। तो सब ग्रुप्स देखते हैं इसके। अब Z4 के सब ग्रुप पहले तो Z4 लिख लेते हैं। Z4 क्या हमारा 0, 1, 2, 3। 0 के ऑर्डर क्या होता है 1, 1 का ऑर्डर होता है यहाँ पे 4, 2 का ऑर्डर 2 एंड 3 का ऑर्डर 4। अब Z4 के सब ग्रुप बनाते हैं। पहला सब ग्रुप बनेगा खुद का खुद Z4, दूसरा ग्रुप बनेगा 0 एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट वाला। ये तो दो नॉर्मल सब ग्रुप है जो हमें ऑलरेडी पता है। इसके अलावा G3 वो क्या बनेगा, आप देखोगे कि दो एलिमेंट वाला ग्रुप बन जाएगा आइडेंटिटी और टू ऑर्डर वाले एलिमेंट को मिला के, तो ये तीन सब ग्रुप बन जाएंगे। अब जैसे Z4 तो Z4 के आइसोमॉर्फिक है, 0 एक एलिमेंट वाला ग्रुप Z1 के आइसोमॉर्फिक होता है और कोई भी दो एलिमेंट वाला ग्रुप Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है यानी कि G3 Z2 के आइसोमॉर्फिक है। तो हमारा काम खत्म हो गया बस ऑलमोस्ट। अब हमें देखना है M1 M2 M3 M4 की वैल्यू क्या है यानी कि इस टाइप के इसमें कितने सब ग्रुप्स हैं। अब Q8 के टाइप के इसमें कितने सब ग्रुप्स हैं, Q8 में कितने एलिमेंट्स हैं 8। क्या इसमें कोई सब ग्रुप हो सकता है जिसमें 8 एलिमेंट हो, इस तो पूरे ग्रुप में ही 8 एलिमेंट नहीं है, 4 एलिमेंट है, तो इससे कोई सब ग्रुप में तो ज्यादा एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते यानी कि M1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब M2 की बात करते हैं, K4 मैंने आपको अभी बताया था K4 एक नॉन साइक्लिक 4 ऑर्डर 4 एलिमेंट्स वाला ग्रुप है। तो अब ये कैसा ग्रुप है साइक्लिक, और आपने साइक्लिक ग्रुप में पढ़ा होगा कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है ना उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। अभी साइक्लिक ग्रुप है इसके सारे सब ग्रुप्स भी साइक्लिक हैं, तो क्या हमें कोई 4 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप मिल सकता है, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो M2 की वैल्यू भी 0 हो गई। अब आते हैं M3 पर, पूछा Z2 टाइप का कोई ग्रुप है क्या इसमें, Z2 टाइप का कोई सब ग्रुप है, हाँ ये रहा ना जी थ्री, कितने हैं एक ही है, एक ही है ना जी थ्री, और कोई तो नहीं ना Z2 टाइप का, एक ही है, तो एक है हमारा Z2 टाइप का कितना है, अभी हमने देखा एक है तो यहाँ पे M4 भी 1 हो गया। सिमिलरली Z2 टाइप का कितना है, एक है तो M5 भी 1 हो गया, और Z1 टाइप का कितने है? ये रहा एक एलिमेंट वाला जो सबके पास ही होता है, तो M6 हमारे पास 1 आ गया। अब बस सब कुछ फॉर्मूला में पुट करना रह गया, बाकी काम हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें M1 M2 M3 को किससे मल्टीप्लाई करना था, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ये जो हमने होमोमॉर्फिक ग्रुप लिखा है इसका, तो M1 मल्टीप्लाई बाय ऑर्ट Q8 की कार्डिनलिटी, M2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्ट K4 की कार्डिनलिटी, M3 मल्टीप्लाई बाय Z2 ऑर्ट Z2 की कार्डिनलिटी ये, और उन सबको हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम छोटा सा टेबल और बस हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो हमें क्या करना है, 0 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑर्ट ऑफ Q8 से, इसकी कार्डिनलिटी से। हम ऐसे में 0 को फिर से मल्टीप्लाई करना है ऑर्ट ऑफ ये देखो K4, K4 की कार्डिनलिटी ऑर्ट ऑफ K4 की कार्डिनलिटी से। यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करना है ऑर्ट ऑफ Z2 की कार्डिनलिटी से, यहाँ भी 1 को मल्टीप्लाई करना है ऑर्ट ऑफ Z2 की कार्डिनलिटी से, यहाँ भी 1 को मल्टीप्लाई करना है ऑर्ट ऑफ Z2 की कार्डिनलिटी से, एंड यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करना है ऑर्ट ऑफ Z1 की कार्डिनलिटी से, और इन सबको ऐड कर देना है प्लस 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 प्लस, आपस में सबको ऐड कर देना है, और बस ये जो आएगा ना अभी नंबर वही होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। तो क्वेश्चन लगभग खत्म है हमारा, बस अब एक निकालना है। अब 0 इंटू एनीथिंग टू 0 होता है तो ये खत्म, वैसे तो ये खत्म 0, ये भी खत्म 0, बच्चा क्या हमारे पास ये बच्चा, तो इसको भूल जाए, भूल जाते हैं क्योंकि 0 हो गया इसलिए खत्म हो गया। अब बस इनको ऐड करना बचा है। अब देखोगे ये तीनों एंट्री सेम है, अगर तीन नंबर्स को हम सेम को ऐड कर रहे हो तो हम एक को बस 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं ना, इधर भी खत्म हो गया, हमें बस इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें ऐड कर देना है, तो 3 इंटू 1 इंटू ऑर्ट ऑफ Z2। अब ऑर्ट ऑफ एनी Zn, कार्डिनलिटी ऑफ ऑर्ट ऑफ एनी Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Un, यानी कि अगर ऑर्ट ऑफ Z2 की बात करूं मैं तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा वो U2 के। U2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक ही एलिमेंट होता है, U2 में कौन सा एलिमेंट होता है, ये वाला आइडेंटिटी वाला, एक ही एलिमेंट होता है U2 में, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, इसका मतलब कार्डिनलिटी एक ही हो गई यानी कि 3 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 3। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, ये ऐड करना है, इसमें क्या है 1 इंटू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z1 की कार्डिनलिटी। अभी बताया कि ऑर्ट ऑफ Zn कोई भी होगा वो Un जैसा होगा, तो ऑर्ट ऑफ Z1 कैसा होगा, वो U1 जैसा होगा, और U1 तो कितना होता है, U1 तो 1 ही होता है खुद ही, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, एक ही होगी, तो यहाँ पे क्या 1 ही रह गया है, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1, यानी कि हमें 3 में क्या ऐड करना है 1, और हमारा आंसर क्या आ गया 4। इसलिए हम देख पाएंगे कि Q8 से Z4 पे कितने होमोमॉर्फिज्म मिल सकते हैं, 4 होमोमॉर्फिज्म मिल सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म. हमें काउंट करने थे Q8 से लेके Z4 पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, और हमने काउंट कर लिए इस प्रकार से, और चार आ गए हमारे पास. ये मेथड आपको देखने से बड़ा लग रहा होगा और समझने में भी काफी टाइम लगा होगा, वीडियो भी काफी बड़ी है, पर अगर आप इसे खुद से ट्राई करोगे ना और चार पांच एग्जांपल्स कर लो, मैं अभी आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ, चार पांच एग्जांपल्स आप कर लो, या फिर काम करूंगी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, अभी आपके लिए बहुत हो गई होगी, इतनी बड़ी वीडियो आप हजम नहीं कर पाओगे. तो बस चार पांच एग्जांपल लगा लो, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन की कंसेप्ट रट जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर डिलीट नहीं होगा. अगर अभी देख के छोड़ दोगे ना, आधा समझ में आए वो जितना आया वो भी भूल जाओगे, एक दो एग्जाम्पल करो पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, ताकि तसल्ली हो जाए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स बता दूंगी जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं. अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, और यार प्योर तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मुझे लगती है, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, पर अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, और कोई तरीका नहीं है, प्योर ना आने का तरीका नहीं है ना. अप्लाइड में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, प्योर में आप कुछ नहीं कर सकते. प्योर में आपको कंसेप्ट आता है तो आप करोगे, आपको पता है कि और Z2 U2 के आइसोमॉर्फिक है तो बस ठीक है, उसमें एक ही एलिमेंट होता है, सब पता है आपको, बेसिक स्ट्रांग तो हो जाएगा, मिस्टेक्स के चांसेस भी कम है. और BHE का सिलेबस अगर आपको नहीं मिल रहा है, जो कि काफी लोगों को नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, तो वो देखें, जिससे कि आपको सिलेबस से तसल्ली हो जाए और आप अच्छे से पढ़ पाओ. ऑल द बेस्ट, ट्रिप बोहेमिया साइनिंग ऑफ, बाय बाय.